नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ धनश्री। केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुली बाई ऐप नाम से एक ऐप बनाया गया है। उस ऐप पर मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। दरअसल ये ऐप ठीक उसी तरह बनाया गया है जैसे कुछ दिन पहले सुल्ली डल्स का बनाया गया था। बुली बाई ऐप पर उन 100 महिलाओं को टारगेट किया गया है जो ट्विटर और फेसबुक पर दमदार मौजूदगी रखती है। इन पीड़िताओं में महिलाएं, मीडिया समेत दूसरे फील्ड में काम करने वाली महिलाएं शामिल हैं। इन सब महिलाओं ने शिकायत की है कि उस घटिया ऐप और प्लेटफॉर्म पर उनके नाम और फोटो का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ऐप की करतूत पर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई है। इस मामले में एक महिला पत्रकार की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। इससे पहले इस मामले में मुंबई पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें श्वेता सिंह को उत्तराखंड से अरेस्ट किया गया था। गौरतलब है कि आरोपी विशाल कुमार को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बेंगलुरु की कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 10 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। साथ ही कोर्ट ने बुली बाई ऐप मामले में पुलिस को उसके ठिकानों पर तलाशी लेने की अनुमति भी दे दी है। सीहोर से खादिल खान की रिपोर्ट। इस समय हम खड़े हैं यहाँ पे कोठरी के विल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बुली बाई ऐप देश प्रदेश में जो चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें कि महिलाओं के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फोटो लेके उस ऐप पर डाले जाते थे और उनकी नीलामी की जाती थी, जिसमें बॉम्बे पुलिस ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। बिश्नोई नाम युवक ने इस ऐप को बनाया था। इस पूरे देश में इस टाइम बुली बाई ऐप उसके तार सीहोर के कोठरी गांव से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हमने कई लोगों से मिलने का बोला भी, लेकिन कोई हमसे मिलने को तैयार नहीं है, ना किसी विषय में बात करने को तैयार है। सीहोर SP का भी कहना है कि उनकी भी जानकारी में ये बात आई है। इसी तरह खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।